उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद आदतन अपराधी और जेल यात्री है। उन्होंने कहा कि वो कभी सुधरने वाले नहीं है। लालू प्रसाद जेल में रहे या बाहर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार के नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा और उनके सुरक्षा कर्मियों पर पश्चिम बंगाल में हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल शर्मा वीरभूमि के तारापीठ में पूजा अर्चना के लिए गए थे। यहां उन पर होटल सोनार बांग्ला में हमला कर दिया गया। इस हमले में मंत्री सुरेश शर्मा को चोट नहीं आई है, हालांकि उन्हें बचाने में सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं। मंत्री की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी मनीष कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की विफलता है कि इस तरह का हमला किया गया है। बिहार के नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश शर्मा पर पश्चिम बंगाल के तारापीठ के एक होटल में किए गए हमले के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस घटना के बाद राजद ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री सुरेश शर्मा पर करारा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने मंत्री को गुंडा करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए उनसे 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। इस पर राजद नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि हम किसी नोटिस से नहीं डरते हैं। तिब्बत के सबसे बड़े बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा पवित्र बोधगया के महाबोधि मंदिर पहुंचे। दलाई लामा ने मंदिर में मत्था टेका और गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना की। दलाई लामा के महाबोधि मंदिर में पूजा करने की खबर जैसे ही उनके अनुयायियों को लगी, वो सड़क के दोनों ओर कतारबद्ध होकर दर्शन के लिए खड़े हो गए। इस मौके पर महाबोधि मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दलाई लामा 5 से 7 जनवरी तक कालचक्र मैदान में होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में प्रवचन भी देंगे। रांची के एक मसाला व्यापारी अमरेंद्र ने आरा प्रशासन से खुद को पूर्व विधायक बताकर एक युवती के साथ 7 दिन तक सर्किट हाउस में मस्ती की और बिल का भुगतान किए बगैर फरार हो गए। इस बात का खुलासा तब हुआ जब व्यापारी की पत्नी सर्किट हाउस पहुंची। बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले पुल के निर्माण पर मोहर लग गई है। पकनाहा से तमकुही तक जाने वाले इस पुल के लिए केंद्र सरकार, बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार राजी हो गई है। पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि इस पुल से दोनों राज्यों की जनता को लाभ मिलेगा। पूर्णिया में मौसम काफी सर्द हो गया है। कोहरा इतना घना है कि 10 मीटर से दूर की कोई भी चीज नहीं दिख रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव जला रहे हैं। पूर्णिया के प्रभारी डीएम रमाशंकर ने कहा कि नगर निगम इलाके में 36 जगहों पर अलाव जलाने का इंतजाम किया गया है। भोजपुर जिले की जगदीशपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद 802 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की है। शराब एक गौशाला में छिपाकर रखी गई थी। पकड़ी गई शराब हरियाणा मार्का की बताई जा रही है। सर के केसठ प्रखंड के कतिक नार गांव में करंट की चपेट में आने से रमेश नाम के शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। तभी घर में आए बिजली कनेक्शन के तार की चपेट में आकर पूरी तरह झुलस गए। रमेश की इस तरह असमय मौत से उनके परिवार में कोहराम मच गया है। रो रोकर परिजनों का बुरा हाल है। नाराज ग्रामीणों ने कहा कि बिजली विभाग के ठेकेदार की लापरवाही की वजह से 4 लोग करंट की चपेट में आ चुके हैं।